टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच 9 नवंबर को 1:30 बजे से सिडनी में खेला जाएगा। ऐसे में हम आपको बताएंगे क्या हो सकता है दोनों टीमों का प्लेइंग 11, क्या दोनों टीमों का प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा या नहीं, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी इंडियन टीम के फैन हैं और चाहते हैं कि इंडिया टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीते तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जिसमें दोनों टीमों का प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 देखें तो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन करेंगे फिन आइलैंड एंड डेविन कोन में, वहीं तीसरे नंबर पर केन विलियमसन बैटिंग करते दिखेंगे और चौथे नंबर पे डेलन फिलिप्स, पांचवें नंबर पे डेरियल मिचेल, छठे नंबर पे जेम्स निसाम, सातवें नंबर पे मिचेल सेंटनर, आठवें नंबर पे टीम साउदी, नौवें नंबर पे ईसा सोधी, दसवें नंबर पे लॉकी फर्गूसन और वहीं 11वें नंबर पे ट्रेंट बोल्ट खेलते दिखेंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी, न्यूजीलैंड सेम प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में उतरेगी। बात करें पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की तो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। पाकिस्तान की तरफ से ओपन करते दिखेंगे मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, वहीं तीसरे नंबर पे शान मसूद खेलते दिखेंगे और चौथे नंबर पे मोहम्मद हरीश, पांचवें नंबर पे मोहम्मद नवाज, छठे नंबर पे इफ्तिखार अहमद, सातवें नंबर पे शान मसूद, आठवें नंबर पे मोहम्मद वसीम जूनियर, नौवें नंबर पे नसीम शाह, दसवें नंबर पे हरीश रऊफ, 11वें नंबर पे शाहिन शाफरीदी खेलते दिखेंगे। पाकिस्तान की तरफ से एक बदलाव देखने को मिल सकता है, मोहम्मद हरीश की जगह खुशदिल शाह को आज की मैच में खेलने को मौका मिल सकता है।